rule. Okay, so what is Simpson rule basically? Simpson rule जो है ये एक numerical integration का method है. Numerical integration. Numerical integration, you know, ऐसा integral, ठीक है, ऐसा definite integral जो analytically मतलब इतना ज्यादा सिंपल ना, उसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं. न्यूमेरिकली का मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जवाब आता है. और अभी तक हम रेक्टेंगुलर रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ चुके हैं और उसको उसके उसकी डेराइवेशन भी कर चुके हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो दिस इज ऑल अबाउट सिम्पसन रूल. सो यू कैन सी इट्स फार्मूला. लेट मी मैक्सिमाइज द स्क्रीन. सपोज यू हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स. एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको आपने यू नीड टू इंटीग्रेटेड एंड डोमेन फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, आपने इसको इंटीग्रेट करना है. तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला ये है दैट यू हैव टू राइट लाइक इक्वल आर अप्रोक्सीमेट साइन एच बाई थ्री. वट इज एच? एच स्टेप साइज, इट्स अप टू यू. ठीक है, एंड एच बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट. वट इज एक्स नॉट? एक्स नॉट इज एक्चुअली ए. एंड वट इज एक्स एन? xn is actually b. Okay, so in order to evaluate this integral, in order to solve the integral, you will be needing simply the outputs of the function and multiply by the step size. So these are nothing on the right hand side but the outputs of the function. So in order to evaluate the integral, the definite integral numerically, in Simpson rule you will be needing only these outputs. Okay, if you focus, you will be needing step size divided by 3, you will be needing the output of the function at this initial, its lower extremity, lower limit. Similarly, you will be needing the output at this upper limit, this is xn, and 4 plus 4 times odd, like odd these outputs, like f of x1, f of x3, up to f of xn minus 1, and plus 2 times the even subscripted these outputs. You can see f of x2, f of x go. This is the formula, you know, and we will inshallah derive the formula, but today our main concern is to solve some question and Simpson rule. Simpson rule, you can see the name over here, Simpson's rules. And there is a remark, in Simpson rule the number of trapeziums must be even and number of points must be odd. They are saying that लाइक आप जो पॉइंट्स इस्तेमाल करोगे ना फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स एन, दिस पॉइंट शुड बी ऑड इन नंबर. ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड बाय द सिम्पसन रूल. एनी हाउ, दिस इज सिंपल. लेट्स मूव टू सॉल्व सम क्वेश्चन ऑन दिस रूल. वी आर नाउ ऑन पेज 104 एंड वी आर इन एग्जाम्पल नंबर 1. इवैल्यूएट द इंटीग्रल. कैन यू हियर मी माई स्टूडेंट्स? यस सर. ओके, so evaluate the integral from 1.8 to 3.4 f of x dx. ठीक है, a function हमें tabular form में given है. Function is given in a form of a table. And you know, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, the best application of numerical integration is when you have function in table form, you know, तो यू हैव द बेस्ट चॉइस टू यूज न्यूमेरिकल. अब अगर आप अपने पुराने वाले लाइक एनालिटिकल इंटीग्रेशन करोगे, सो दैट इज नॉट इजी, डायरेक्टली नॉट पॉसिबल. न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन गिव यू द पावर टू इवन इंटीग्रेट द फंक्शंस व्हिच आर यू नो इन अ टेबुलर फॉर्म. नाउ द फंक्शन इज इन टेबुलर फॉर्म एंड यू कैन इंटीग्रेट इट. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. एंड वेयर वी हैव अ फंक्शन इन टेबल फॉर्म, यू मे आस्क मी सर एप्लीकेशन में कहाँ आती है फंक्शन टेबल के फॉर्म में. इन एप्लीकेशन, यू नो, लाइक इन मोबाइल्स एंड इन कंप्यूटर्स, इन डिजिटल कंप्यूटर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम फंक्शंस आर इन टेबुलर फॉर्म. लाइक इमेजेस आर इन टेबुलर फॉर्म, लाइक इन डिस्क्रीट फॉर्म. वॉइस कॉल इज यू नो इन अ टेबुलर फॉर्म, इन डिस्क्रीट फॉर्म. सो नॉर्मली यू नीड टू यूज न्यूमेरिकल मेथड्स to do calculations like on images and on signals. So this is one of the application of numerical analysis in general and numerical integration in particular. Acha, function ye given a table ke form mein, hum isko integrate karna hai 1.8 se lekar, from 1.8 to 3.2 we need to integrate, 3.4 here you can see. Step number 1, since the function value are given in the table, so
एच इज इक्वल टू 0.2, स्टेप साइज जो है वो 0.2 है, यू कैन सी द डिफरेंस, यू नो फ्रॉम 1.8 एंड 2, 2.0 टू 2.2, यू यू कैन सी द स्टेप साइज इज 2, सो यू चू सिंपली पिक योर एच इज इक्वल टू, यू ग्रैब दिस वैल्यू एंड यू ग्रैब एन इज इक्वल टू 8, यू सी बिकॉज पॉइंट्स आर 9, लेट अस काउंट टूगेदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट्स आर 9, so when points are 9, so n is equal to 8, you have to choose n. And what is n? N is the number of trapezium, okay? So n is always one less than the points, okay? So for example, if you ask me, sir, what is the example of that, so let me just draw something for you, aur aapko iski samajh aa jayegi, jo bahut aasan baat hai inshallah. सर My सर dear, ये रेक्टेंगुलर मेथड में और ट्रेपेजॉइडल मेथड में तो हम लोग ये साइज इस तरह फाइंड करते थे कि फॉर्मूले में पुटिंग करेंगे करते थे, तो इसमें भी इसी तरह करेंगे, ये साइज इस तरह आएगा. हाँ एग्जैक्टली, देखो रेक्टेंगुलर रूल हमने डिराइव किया था और उसका फार्मूला जो है ना, उसमें हम उसका भी इस तरह तकरीबन इस तरह फार्मूला था, ठीक है. ट्रेपेजॉइडल रूल का भी इसी तरह फार्मूला था, बिल्कुल इसका वही मेथड है, एग्जैक्टली द सेम मेथड एग्जैक्टली, बट फार्मूला इज डिफरेंट ऑन द राइट हैंड साइड. आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, ओनली डिफरेंस इज द लिटिल रीअरेंजमेंट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क मी, लेट मी टेल यू, यू हैव आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन. If suppose you ask me, sir, rectangular rule का फॉर्मूला याद कराएं, तो वो देखो पहला, you know, our first method, rectangular rule, उसमें ये 3 नहीं था, ठीक है, 3 नहीं था, और इसमें 4 नहीं था, 2 नहीं था, all were, you know, सबके वेट्स 1-1 थे, यानी f of x naught का वेट 1 था, सारों के वेट्स 1-1 थे, ठीक है. रेक्टेंगुलर रूल आपका इस तरह था. ट्रेपेजॉइडल रूल आपका क्या था, इसके साथ वेट नहीं था, यानी इसके साथ 1/2 था और आखिरी वाले के साथ 1/2 था, बाकियों के साथ 1-1 था. सिम्पसन रूल में क्या है, सिम्पसन रूल में एफ ऑफ एक्स नॉट के साथ वेट क्या है, आप मुझे अमरीन बता सकती हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट के साथ वेट क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट, नहीं नहीं यहाँ यहाँ 1 1 वन, और ऑड के साथ यहाँ क्या है 4, और इवन फोर वाले के साथ क्या है 2, ठीक है. तो सिम्पसन फार्मूले में सिर्फ फर्क यहाँ आता है कि रेक्टेंगुलर रूल में सबके साथ वेट 1 था, ठीक है, और ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या था कि इसके साथ पहले वाले के साथ 1/2 था और आखिरी के साथ 1/2 था बस. और सिम्पसन रूल में जो है वो सिर्फ 4 है, बाकी वही टेबल का तरीका, बाकी सब कुछ वही, यू नो द मेथड इज द सेम, ठीक है, द मेथड इज द सेम, ओनली फार्मूला डिफर्स एंड द प्रोसीजर इज द सेम, बट यू नो सिम्पसन रूल इज मोर एक्यूरेट. व्हाई? बिकॉज कैलकुलेटर अडॉप्ट दिस मेथड, calculator use these methods, so this is more accurate method anyhow. So if you focus, since the function is given in a tabular form, so here clearly from the table step size is 0.2 and n is equal to 8, n is equal to 8 because if you count 1 2 3 and 9 aati hai, when point are 9, so you have to choose n is equal to 8. You see, this is the trick you have to remember. Also, the number of points are odd, i.e. 9, we can apply Simpson rule, क्योंकि वो odd है number of points, तो हम Simpson rule को apply कर सकते हैं. Formula क्या है? Formula ये है, क्योंकि हमें ये integral चाहिए 1.8 from, we need to integrate this function from 1.8 to 3. This is the domain of the integration, and ये यहाँ पर approximately लिखना चाहिए था, but anyhow, what is the formula of the Simpson rule? You have to remember this. Okay, so h by 3 multiply by these f of x naught plus 4 times odd f of x 1 f of x 2, because odd is mein kaun kaun si aa rahi hai, let me, you know, let me help you out, let me help you out, make it very easy for you. I'm sorry. Okay, so if you see, my dear students, this is your x naught, this is your x 1, this value is your x 2, this value is your x 3, this is your x 4, this is your x 5,
this is your x6. This is your x7 and yeah, now this is fine. And this is your x this is your x8, this one. Okay, so if you see, my dear student, it is clear to you, very clear to you. So what is the formula of okay, so okay, and what is this, this is f of x naught, this is f of x1, this is f of x2. We will be needing these outputs: f of x3, f of x4, f of x5, f of x6, f of x7, f of x8. These are the outputs. We will be simply needing this output. Table is ready-made given to us. We don't need to construct any table, etc. Table banane ki zaruri kyun hai, kyunki table diya hai. Bas formula mein putting karni hai. Agar na diya hota, hum table banate. Acha. Ab dekho, h by 3 step size ki jagah 0.2 put kiya. 3 is in its own place. F of x naught from the table. What is f of x naught? Let's see together. This is your f of x naught. This is your f of x1. This is your f of x3, f of x5, f of x7. So simply putting these values. F of x naught, 4 times f of x1, output, 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 and up to here, f of x7. And 2 times the even one. So to f of x2, f of x3, f of x6, f of x8. F of x6. F of x8, bahir aayega. There is a bracket they have forgot, actually. There is a bracket. There is a bracket. Okay. So when you calculate this, you will get your answer like this. 23.9149. Student, can you hear me? Yes, sir. Okay. Do you have any question till this place? If you have any question, you ask me. Simply, we have this formula of Simpson rule, and table is given to us ready-made. You can see this is a table. This is the table. You just simply note the step size. Okay, input on me kitna step aa raha hai. 0.2 ka gap aa raha hai. To gap aapka ye ho gaya. The total number of points were 9. So aap n ko 8 choose kar le. Ab jo hai na, n 9 hai, points 9 hai. To Simpson rule ko aap use kar sakti. Ye aapka integral hai jo aapne solve karna hai. Sawal mein given tha. Is integral ko evaluate kare. Find this integral. Evaluate this integral using Simpson rule. उन्होंने नहीं बताया कि सिम्पसन रूल को यूज करें, मगर सिम्पसन रूल इज द बेस्ट चॉइस एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर रूल एंड ट्रेपेजॉइडल रूल. सो दिस इज द फार्मूला: एच बाई थ्री एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स एट, 4 टाइम्स ऑड, 2 टाइम्स इवन. एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स एट बीच में नहीं आएंगे, आखिरी आखिरी पॉइंट्स नहीं आएंगे, वो बाहर होंगे. 4 टाइम्स ऑड, 2 टाइम्स इवन. सिंपल, आपने टेबल से वैल्यूज पुट की, आपके पास आ गया. अच्छा, सो दैट इज एक्चुअली that is actually the Simpson rule first question. I'm not going to do that. What is the reason? Because exactly isko solve kiya gaya hai, magar ye part jo hai na, interesting nahi hai. Okay. so let's move to example number 2. Apply 5 point Simpson rule. Acha student, mera aapse ek sawal hai. Agar points 5 ho to n ki value kya hogi? सर फोर एग्जैक्टली फोर होगी. ठीक है, सो अप्लाई 5 पॉइंट सिम्पसन रूल टू इवैल्यूएट. ओके, ये इंटीग्रल हमने इवैल्यूएट करना है, 0 टू 1, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसको हमने न्यूमेरिकली इवैल्यूएट करना है. ठीक है, तो अप्लाई 5 पॉइंट सिम्पसन रूल टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल. अच्छा, कंपेयर योर आंसर विद द your exact value and the obtained okay, trapezoidal rule bhi use karna hai, bahut important question hai ye. Acha bachu, mazi ki baat sun le, table is not given to us, we have to construct the table. Okay, we have to construct the table, so do remember now. Let's focus this question. Solution: step number 1, what is the integrand? F, this is the integrand, this is the integrand, so write it as f of x is equal to 1 over plus x square. Ye integrand hai, theek hai. अच्छा, ए की वैल्यू क्या है? 0 है. और बी की वैल्यू क्या है? एनीबॉडी कैन टेल यू वैल्यू ऑफ बी? सर 1. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन?
4. This is given. We will be needing step size according to this n. ठीक है, n का मतलब ये कि हम चार जो है ना ट्रेपेजियम बना रहे हैं. तो h इज इक्वल टू b माइनस a, बिल्कुल उसी तरह रेक्टेंगुलर रूल, सिमिलर लाइक इन रेक्टेंगुलर रूल एंड ट्रेपेजॉइडल रूल. अगेन h स्टेप साइज इज कैलकुलेटेड बाय द सेम फार्मूला, b माइनस a डिवाइडेड बाय n. सो b वैल्यू इज 1, a वैल्यू इज 0 बाय n, n इज 4. सो आपके पास h की वैल्यू आ गई. अच्छा, आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी बच्चों, टेबल की जरूरत पड़ेगी. टेबल कैसे बनाएंगे, सवाल ये पैदा होता है, सिंपल इनपुट और आउटपुट से. अच्छा ये देखो, पहला इनपुट ये है 0 और आखिरी द लास्ट वन इज 1. ओके, सो यू जस्ट राइट 0, द इनपुट 0, यू पुट इन दिस फंक्शन एंड गेट द आउटपुट व्हेन 0, सो वी विल गेट द आउटपुट 1. नाउ हाउ टू गेट द नेक्स्ट इनपुट, सिंपली एड h 0 में एड कर लें, ये h 0 में एड कर लें, सो 1/4 आउटपुट निकाल सकते हैं आप, वो आप इस फंक्शन में पुट कर लें. ठीक है, 1/4 इसमें पुट कर लें, कैलकुलेटर से आप कर सकते हो. अगर नहीं कर सकते मुझे बताओ, मैं कर लूंगा, अभी भी कर सकता हूँ. ठीक है, 1/4, डोंट फील शाय, यू आस्क मी क्वेश्चन. सो 1/4 पुट किया, आउटपुट निकाला. अच्छा मुझे एक स्टूडेंट बताए, आगे का इनपुट कैसे हासिल में करूंगा, हाउ टू गेट द नेक्स्ट इनपुट. सर 1/4 के साथ 1/4 ऐड करेगा इंशाल्लाह. एग्जैक्टली, वी विल ऐड द स्टेप साइज एंड वी विल गेट द नेक्स्ट इनपुट. अगेन वी विल ऐड द स्टेप साइज, वी विल गेट द नेक्स्ट इनपुट. अगेन वी विल ऐड द स्टेप साइज एंड वी विल अराइव एट द लास्ट इनपुट व्हिच इज 1. लाइक वी स्टार्टेड फ्रॉम 0 और एक बट 1 वी वर एडिंग 1/4 1/4 1/4 वी वर गेटिंग द इनपुट्स एंड लास्टली वी अप्रोच टू 1. दिस इज द टोटल डोमेन. And on this domain, we need to evaluate the integral. Okay, or output bhi aap nikal sakte ho. These are the outputs you can very simply grab. Okay, by simply putting the inputs in this function. Now, just simply write the formula of Simpson rule. What is the Simpson rule? h/3. Now, this is the integral you need to evaluate. You need to solve. You want to get the numerical value. So, from 0 to 1, 1/4 plus x squared dx. What is the answer? What is the formula? h/3 f of x naught. This is your x naught, x 1, x 2, x 3, x 4. Okay, so the formula is f of x naught and f of x 4. They will be outside. And 4 times the odd and 2 times the even. So 4 times the odd. This is odd one. This is this and this. This is f of x 1 and this is f of x 3. Can you tell me what is f of x 2? F of x2, this is 0.8. exactly. So simply you put the values, h ki value aapke paas 1/4 thi, 1/4 or 1/3, 1/12. F of x naught ki value aa gayi, 4 aa gaya. Ye simply bachcho ye values bahut aasani se table se put hui, kuch bhi mushkil nahi tha, kyunki straightforward formula hai Simpson rule ka. Only one thing is left, we need to derive it, ki formula aaya kaise, wo khoobsurat hai ki wo aaya kaise, बना कैसे. इवैल्यूएशन इसका इस तरह है, 2 टाइम्स इवन आ गया और ये 0.5 आ गया. ठीक है, तो बच्चों आगे जो है सिंपल कैलकुलेशन है, आपके पास इसका जवाब आ जाएगा. सिंपली प्लस माइनस है और कुछ भी नहीं था, फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी, ये आपके पास जवाब आ गया 0.7850. ठीक है बच्चों. अच्छा अब सवाल को समझे. अच्छा सवाल ये है कि व्हाट वाज देयर क्वेश्चन, यूज सिम्पसन रूल get the answer, use trapezoidal rule and get the answer and use it exactly. ठीक, देखो किसका error, trapezoidal अच्छा है, which one is the best, trapezoidal or the Simpson. ठीक है, तो जिसका error कम होगा. ठीक है, तो मैं इसको trapezoidal rule को use करना चाहता हूँ. अच्छा बच्चों, अब trapezoidal rule को देख लें. trapezoidal rule, solution obtained by trapezoidal rule for 5 points in the previous example. अच्छा ये तो solve हो चुका है. Anybody who can tell me the trapezoidal rule formula? Trapezoidal rule का formula किसको याद है? What was the formula? 0 to 1 plus x square. We need to evaluate this integral. dx
दिस इज ट्रेपेज़ॉइडल रूल फार्मूला इफ आई एम नॉट रॉन्ग एच वन बाई टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट ठीक है यू कैन राइट दिस वन बाई टू आउट साइड एज वेल लेट मी राइट इट आउट साइड एज वेल नो प्रॉब्लम h by 2 what we have over here f of x naught plus 2 times the remaining values 2 times f of x1 so let me just zoom it out okay so that we can extend this page for us Okay. F of x two times f of x one plus f of x two plus total कितने values हैं बच्चों पांच है ना f of x three and we will have plus f of x four. Am I right? 1, 2, 3, 4. Yeah. So I think here we will have like this one, and plus. So this is f of x three plus f of x four. If I'm not wrong, f of x four. So this is the formula for the trapezoidal rule if I'm not wrong let me see okay this is x naught x1 x2 x x naught x1 x2 x3 x4 exactly right so let us calculate this by ourselves because it is not calculated in the book although we have solved question on that method but let us do it again it will be better this is the table do remember And let us put the values. Simply, you put the values, and you will get the answer. Let me help you out. What you need to do? This is your x naught. Put over here. This is your x one. This is your x two. This is your x three. This is your x four. So when you put in those all those values, you will be getting the answer. Let me see what is the answer. The answer obtained by trapezoidal rule is 0.7825. So this is the answer by them. Okay. So if you ask me, what to do next? We have to solve it exactly. But you exactly solve kare. Dx divided by 1 plus Kashif are you with me yes sir acha dekho abhi tak humne how many methods we have applied to get the answer kitne method apply kiye sir two methods one was the simpson and the other was trapezium method yes so ab hum dekhna chahte hain ki kaun sa best hai to isliye hum isko exactly solve karna cha rahe hain exactly ke exactly क्या आ रहा है ताकि उसके साथ कंपैरिजन कर लें अब हमें ये क्लियर है कि एग्जैक्टली इसका आंसर है टेंजेंट इनवर्स एक्स टेंजेंट इनवर्स इसका फार्मूला ये तो इसका फार्मूले पर होगा ना 0 to 1 अब इसको मैं एनालिटिकली सॉल्व करना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली सॉल्व करना चाह रहा हूँ ताकि कंपेरिजन कर सकूँ ट्रू वैल्यू मेरे पास आ सके अच्छा पहले अपर लिमिट इसमें पुट कर लें टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स 0 आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स जीरो आ जाएगा ठीक है ये आ गया अच्छा टेंजेंट इनवर्स जीरो जो है दिस इज जीरो एंड टेंजेंट इनवर्स वन इज व्हाट वी हैव वन आवर स्क्वायर रूट टू यू कैन ट्राई इन अ कैलकुलेटर एंड यू विल गेट द आंसर सो वन आवर स्क्वायर रूट टू सो कैन वी कैन चेक वन आवर स्क्वायर रूट टू बट एनी हाउ लेट्स चेक व्हाट इज वन आवर स्क्वायर रूट टू So it is 0.78539. 0.78.
point. This is the exact value. तो ये आपके पास जवाब आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम एरर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सिम्पसन रूल का जो है ना, अब इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। तो करेंगे कैसे, एरर एनालिसिस करेंगे हम। यहाँ टू कैलकुलेट एरर ऑफ सिम्पसन रूल, तरीका उसका क्या है। उसका तरीका यह है कि एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट में क्या आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो इससे हमारे पास आ जाएगा, जब दोनों माइनस होंगे, ठीक है, तो इसे देखो, एग्जैक्ट हमारे पास आया है, व्हाट इज द एग्जैक्ट वन, एग्जैक्ट वन इज 0.78539 एंड सिम्पसन रूल आंसर। सो सिंपली पुट बोथ द आंसर्स, एरर इसका जो आ रहा है सिम्पसन रूल का ट्रू से। इनी सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, अब सही आ रही है, कैन यू हियर मी नाउ काशिफ, कैन यू हियर मी? यस सर। अच्छा, तो एरर ऑफ सिम्पसन रूल जो है ना, फार्मूला उसका एब्सोल्यूट एरर जो है ना, उसका फार्मूला ये है कि एग्जैक्ट वैल्यू ट्रू वैल्यू माइनस द वैल्यू ऑब्टेंड बाय द सिम्पसन रूल। सो इसे हमारे पास जो है बच्चों आ जाएगा, इन्होंने एरर कैलकुलेट नहीं किया। अच्छा, थोड़ा सा मुझे एक बात बता दें, टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द आंसर ऑफ द सिम्पसन, 0.7850 and what is the answer of the exact 0.78539 etc. So if you see, its error is, you know, it approximately equal to something like 0.000 something like 1. Error itna chota aa raha hai. Acha, ye error aa raha hai Simpson rule ka. This is the error of Simpson rule. Jawab mein itna farak hai. Acha, ab error jo hai na, hum trapezoidal rule ka calculate karte hain. Error of trapezoidal rule. Error of trapezoidal rule. Acha, absolute error is equal to exact value minus approximate value. ये फार्मूला है। अच्छा, एनीबडी हु कैन टेल मी द एग्जैक्ट वैल्यू, व्हाट वाज द एग्जैक्ट वैल्यू, 0.78785 समथिंग लाइक दैट, एंड व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द ट्रेपेज़ॉइडल रूल, 0.7825 सर। हाँ, 0.7825। अच्छा, इससे हमारे पास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 0.00 सपोज समथिंग लाइक 3। ये इतना एरर आ रहा है। तो अब मुझे बताओ, दिस एरर इज स्मॉल और दिस एरर इज स्मॉल, व्हिच वन इज स्मॉल सर? 0.001 0.001 इज स्मॉल, दिस वन इज स्मॉल एज कंपेयर टू दिस वन। एंड ये एरर किसका है, मुझे बता सकते हैं किसका एरर है ये? सिम्पसन रूल का। हाँ, तो सिम्पसन रूल इज द बेस्ट। सो कंक्लूजन हम लिख लेंगे यहाँ पर। सो व्हाट इज द कंक्लूजन,
कंक्लूजन इज सिम्पसन रूल इज बेटर. सिम्स रूल हैज लेस एरर. ठीक है, ये कंक्लूजन है और वो एग्जैक्ट के साथ ज्यादा करीब है बच्चों. तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, अच्छा. सो अब मैं जो है ना आगे ये देखो, ये एग्जाम्पल भी हो गया. एग्जाम्पल नंबर थ्री जो है ये आप लोगों का असाइनमेंट है. एग्जाम्पल थ्री क्या कह रहा है बच्चों, गौर फरमाए, बिल्कुल इसी तरह है. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थ्री जो है वो ये है कि इवैल्यूएट द इंटीग्रल. इस इंटीग्रल को हमने इवैल्यूएट करना है 0 to 10. ठीक है, इस इंटीग्रल को हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है. और फंक्शन टेबुलर के टेबल टेबल के फॉर्म में गिवन है. Where values of y are given in the table, you can see over here, table के form में. 5 points trapezoidal rule or 5 points Simpson rule आपने use करना है. If y is equal to 3 square, compare your result with the exact. अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरह है सारा सवाल बच्चों. So this is your assignment, and if you feel any trouble at any step, please feel free to ask me. ठीक है, उसी तरह सारा question है, आप इसको खुद कर सकते हो. Exact के लिए आपने आपको function दिया गया है. ठीक है, तो इसकी तैयारी करें, बिल्कुल ठीक ठाक तैयारी रखें. सिमिलरली इवैल्यूएट द इंटीग्रल, ये इंटीग्रल को हमें इवैल्यूएट करना है 0 to π/2 y. और फंक्शन हमें जो है ना, फंक्शन इज गिवन इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल. फंक्शन इज गिवन, ट्रेपेज़ॉइडल रूल यूज करना है और सिम्पसन रूल वही इस तरह है. टेबल भी रेडीमेड गिवन है. एग्जैक्ट के लिए आपने साइन एक्स इस्तेमाल करना है. क्या इस्तेमाल करना है एग्जैक्ट के लिए? साइन एक्स. अच्छा, एग्जैक्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो साइन एक्स डोमेन क्या होगा, मुझे कोई बता सकता है? एग्जैक्ट के लिए डोमेन कहां से कहां तक होगा? सर 0 से π/2 तक. एग्जैक्टली. अच्छा मुझे बताओ, साइन एक्स का इंटीग्रल जब आप एग्जैक्ट निकालोगे तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या है? एग्जैक्ट आंसर के लिए साइन एक्स का इंटीग्रल क्या है? सर ये π/2 है. नहीं 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 What is the integral of sine x? Cos x. Exactly. चलो exact answer निकाल लेते हैं. इसे मैं help कर देता हूँ. Exact answer निकाल लेते हैं. Integral from 0 to π/2. I'm going to solve exact for you so that आपको कोई मसला ना हो. और है भी नहीं, आसान है. So let me help you out. साइन एक्स इंटीग्रल इज माइनस कॉस एक्स. सो सिंपल, माइनस कॉस एक्स. और ये अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट हो गया बच्चों, दोनों आ गए यहाँ पर. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, इसके बाद जो है ना कॉस एक्स का जो इसमें वैल्यूज पुट कर लें, कॉस एक्स में π/2 पुट कर लें. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. व्हाट इज लोअर लिमिट स्टूडेंट्स? सर 0. Exactly, and we know cos 90 is 0, so this will be not counted. Minus minus plus cos 0 is 1, so we get the exact answer as 1. ठीक है, तो ये आसान था. तो अच्छा बच्चों, तो आप इसको फार्मूला देखो, सिम्पसन रूल का भी पता है. सवाल भी मैंने सॉल्व की, दो एग्जांपल सॉल्व की आप लोगों को, पता चला कि बहुत आसान है. तो उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, फार्मूला गिवन है तो फार्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. एच ओ एच भी है और आउटपुट्स भी आपके पास, सिंपल आउटपुट्स है ना. इंटीग्रल को आप सॉल्व करते हो तो ट्रेपेज़ॉइडल एंड सिम्पसन रूल आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटपुट्स ऑन द राइट हैंड साइड विद डिफरेंट वेट्स, विद डिफरेंट सूटेबल वेट्स. ओके, सो दैट इज एक्चुअली दैट सिम्पसन रूल एंड ट्रेपेज़ॉइडल रूल बोथ आर वेरी इजी. एंड नाउ यू कैन सी द एग्जैक्ट मेथड. द आंसर इज 1. एंड यू नो अगेन सिम्पसन रूल इज द विनर. Simpson rule is obviously better than the trapezoidal rule. This is the sentence from the book, not from my side. So you can see Simpson rule is obviously better than the trapezoidal rule. ठीक है? As the result of Simpson rule is closer to the exact value. Because if you see the answer, Simpson rule is